अ वेरी ब्यूटिफुल मॉर्निंग टू ऑल द वंडरफुल लेडीज आउट देयर। आज के हमारे वेकअप मेकअप सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर कंसर्न के बारे में। जी हाँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द राइट टेक्निक टू पुट मेकअप ऑन एक्ने प्रोन स्किन। वो सब हमें आज देखने को मिलेगा इस सेगमेंट में। तो चलिए चलते हैं, आज मैं एक ऐसे आपको सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट से मिलाती हूँ जो हमें बताएंगी कि कैसे हम राइटली मेकअप कर सकते हैं टेक्सचर स्किन पे। फॉर द एक्ने प्रोन स्किन देयर आर फ्यू स्टेप्स जिसके लिए हमें बहुत माइन्यूटली ध्यान देना पड़ता है कि वो ड्राई स्किन है कि वो ऑयली स्किन है। सो अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट्स चूज करते हैं फॉर स्किन प्रेप। अगर आपकी ऑयली स्किन है, इट्स वेरी सिंपल, गो फॉर जेल बेस्ड प्रोडक्ट, अदरवाइज वाटर बेस्ड प्रोडक्ट, डिपेंडिंग कि कितना ऑयल ज़्यादा आता है कि नहीं। एंड अगर आपकी ड्राई स्किन है तो इट्स वेरी सिंपल, आप मॉइस्चर बेस पे जाएंगे, क्रीम बेस पे जाएंगे। हमारी मॉडल पे जैसे आप देख रहे हैं एक्ने है, एंड एक्ने के कारण जो स्कार्स होते हैं उसके कारण ही आपका बेस केकी एंड या फिर लॉन्ग टाइम स्टे नहीं करता है। मार्क्स भी है प्लस सनबर्न। सो फर्स्ट टेक वाइप्स एंड फोल्ड करके क्लीन द फेस एंटायरली। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, एक्ने प्रॉन स्किन है, सेंसिटिव होती है। एंड देन आफ्टर दिस अप्लाई टोनर। आई थिंक जो टोनर है वो एनलार्ज जो पोर्स होते हैं हमारे उनको क्लोज कर देता है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली कम्प्लीटली नहीं करेगा, इट्स नॉट फॉर क्योर। आप इसे अपने स्किन प्रेप के टाइम में एंड प्लस स्किन केयर में भी टोनर को यूज़ कर सकते हैं। प्रेप का फाइनल स्टेप है, दिस इज जेल बेस्ड विच इज़ रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन। एंड मेक श्योर रेगुलर में आप जितनी क्वान्टिटी लेते हैं मेकअप से पहले, हम हमेशा वो क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा लेते हैं। सो पूजा, कई लोगों का जो टी जोन होता है वो ड्राई होता है एंड बाकी का जो फेस है वो ऑयली होता है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएं लाइक इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजर और एनीथिंग? जब आप फेस प्रेप कर रहे हैं आपको समझ में आ जाता है कि आपके कौन से एरिया ड्राई है या फिर ऑयली है, एंड अकॉर्डिंगली उस एरिया में आप प्रोडक्ट लगाएंगे। सिंपल है, जहाँ कम की ज़रूरत है वहाँ कम लगाओ, जहाँ ज़्यादा की ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा लगाओ। हर एक प्रोडक्ट के बाद आपको कम से कम एक मिनट का गैप देना है सो दैट वो जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से स्किन में सेट हो जाए एंड देन अप्लाई योर नेक्स्ट स्टेप। सो जैसे कि आप अभी देख रहे हैं स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो गई है। नाउ आफ्टर दिस इट्स टाइम टू अप्लाई पोर फिलर प्राइमर्स। सो जहाँ पे ये होल्स हैं या फिर पोर्स हैं वो वहाँ पे सेटल हो जाएगा ये पोर फिलर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नोज एरिया एंड ये आपका अपर लिप्स एरिया, वहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है, आप वहाँ पे भी पोर फिलर लगाएंगे सो दैट इट कैन होल्ड योर स्वेटिंग। अगेन गाइज, देयर इज अ मिथ कि आपने ये लगा लिया और 100% आपके स्वेट नहीं आएंगे। नो, यू नीड टू टेक ऑल दोज प्रिकॉशंस जिससे आपका मेकअप फ्रेश हमेशा लगे। जैसे कि आपको एसी में रहना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना है, राइट, एंड थोड़ा सा टचअप करते रहना है। एंड पोर फिलर प्राइमर से ये भी होता है कि आपका पूरा स्किन टेक्सचर प्लेन हो जाता है। योर फेस इज अ कैनवास बेसिकली, राइट, तो प्राइमर लगाने से बहुत स्मूथ हो जाता है आपका पूरा बेस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस करेक्शंस। इंडियन टोन में आपके जो करेक्टर्स आते हैं ऑरेंज करेक्टर एंड ग्रीन करेक्टर, ये दो मेन करेक्टर्स हैं मार्केट में अकॉर्डिंग टू स्किन टोन। ऑरेंज करेक्टर जो होता है, जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर डार्क स्पॉट्स होते हैं, हम उस पर लगाते हैं टू बैलेंस द कलर। वो एक्चुअली उस कलर को कट कर देता है और उसके ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपको रियल टोन आता है। इफ़ यू अप्लाई डायरेक्ट फाउंडेशन आपको ब्लैक ब्लैक एरियाज जो है वो अलग से ग्रे दिखेंगे। सो हियर आई एम गोना स्टार्ट विथ ऑरेंज करेक्टर क्योंकि इनको डार्क सर्कल्स है। जो ग्रीन करेक्टर्स होता है, जब हमें रेड एक्नेज होते हैं या फिर रेड स्किन होती है जो सेंसिटिव स्किन में होती है, तो हम उस रेड कलर को कैंसिल करने के लिए, उस रेडनेस को, हम ग्रीन करेक्टर अप्लाई करते हैं। लुका ज़्यादा इशू नहीं है इसलिए बहुत हल्की सी क्वांटिटी लगाएंगे। अगेन हियर ऑन सनबर्न एज वेल, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत हल्की सी क्वांटिटी लेके कंसीलर ब्रश से स्प्रेड कर रही हूँ। सो कैन वी डू दिस विद आवर फिंगर्स आल्सो, टैप 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 एंड डन? सी, अगर आप अपने ऊपर यूज़ करें फॉर सेल्फ यूज, ऑफकोर्स फिंगर्स आर द बेस्ट ब्रशेज। नाउ टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्लेंड अगेन विद अ वेरी लाइट प्रेशर। अगर ओवर ब्लेंड करेंगे तो प्रोडक्ट ब्लेंडर में आ जाएगा, तो इसे बस सेट करना है। यहाँ देख के समझ में आ जाता है कि ये सेट हो चुका है। दैट्स इट।